गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने जो क्लास नाइन्थ का जो सेकंड चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी वो स्टार्ट किया था, उसमें हमने सिंपल डेफिनेशन से वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें पहला जो फीचर था वो हमने क्या था कि डेमोक्रेसी जो है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर हो किस क्या होनी चाहिए कि लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उनके पास वास्तविक जो शक्ति है वो होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान का पढ़ा था, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम जो सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का वो स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एग्जाम्पल केस लेंगे चाइना का और केस लेंगे आपका मैक्सिको का। तो जो सेकंड फीचर आपका डेमोक्रेसी का वो क्या है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। मतलब इसका सेकंड फीचर क्या कह रहा है कि लोकतंत्र जो है मेनली किसके ऊपर आधारित होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर, जहां पर जो करंटली जो पावर में है। अभी जो फॉर एग्जांपल मैं पावर में हूं तो मेरे पास भी जो पावर है उसको लॉस होने का चांसेस हो कि मैं भी जो है वो सत्ता जो वो क्या कर सकता हूं, हार सकता हूं, ऐसे चांसेस हो जहां पर, देन और वो कहां पे होंगे, जहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, क्लियर। तो एग्जांपल हम पढ़ेंगे चाइना को और मेक्सिको को, ये सेकंड फीचर है, नोट डाउन कर लेना। तो सेकंड फीचर में हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का। तो चाइना में कह रहा है इलेक्शन हेल्ड रेगुलरली, हर पांच साल में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, किस लिए होते हैं, इलेक्टिंग करने के लिए। मतलब हर पांच साल में चाइना में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और क्यों होते हैं, फॉर इलेक्टिंग नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसको इलेक्ट करने के लिए हर पांच साल में चाइना में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। और ये क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, ये पार्लियामेंट है कहां की, चाइना की, जो नाम दे रखा है चाइनीज लैंग्वेज में उसको याद रखने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में है तो आप रख सकते हैं। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए चाइना में हर पांच साल बाद क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, क्लियर। उसके बाद कह रहा है पावर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, और जो पावर होती है किसके लिए, जो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, मतलब पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट में जो हेड है, मुख्य पावर जो है उसके पास किसके पास है, प्रेसिडेंट, तो इसके लिए चुनाव होते हैं। और कह रहा है अबाउट 3000 मेंबर्स, और पूरे चाइना से लगभग 3000 जो मेंबर है, सदस्य है, वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और जिसमें आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका भी जो योगदान है वो रहता है 3000 के अलावा। आगे देखते हैं, और जो भी पार्टी यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और कह रहा है कि उसको अगर कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको वहां पे जो पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसकी अनुमति लेना जरूरी है, क्लियर। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं चाइना में तो आपको कौन सी पार्टी की अनुमति लेना चाहिए, लेनी पड़ेगी, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, क्लियर यहां तक। अब इसलिए सो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जो अलाइड पार्टी है, चाहे वो दूसरी पार्टी है, आठ के अलावा जो अलाइड पार्टी है, वो किसके बिहाफ पे चुनाव लड़ती है, उनको अनुमति कौन देता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और इस प्रकार से वहां पे जब भी सरकार बनती है चाइना में तो कौन सी पार्टी की बनती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है, हमेशा चाइना में किसकी सरकार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की, क्लियर। आई होप यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सिको का, क्लियर। मैक्सिको क्या होता है, वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, वहां इलेक्शन कब होते हैं, हर छह साल में इलेक्शन होते हैं, किस लिए होते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्शन इलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। मैक्सिको में हर छह साल बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो वहां पर जो पार्टी है पीआरआई, कौन सी पार्टी, पीआरआई, ठीक है, 2002 के बाद से ये जो पीआरआई पार्टी है वो एक भी चुनाव नहीं आ रही, सारे चुनाव जीतती आ रही है। ये पार्टी का नाम है, आप कहेंगे सर पी तो लास्ट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये जो पार्टी है वो 2002 के बाद कोई भी इलेक्शन जो कंटेस्ट होता है ये जीतती है। कह रहा अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन, वहां पे अपोजिशन पार्टी वो चुनाव भी लड़ती है, क्लियर। जो मेक्सिको की बात करें वहां पे जो पार्टी है कौन सी, अपोजिशन जो पार्टी है, विरोधी पार्टी है, वो चुनाव भी लड़ती है लेकिन जीत नहीं पाती है। क्यों, क्यों नहीं जीत पाती, क्योंकि पीआरआई यूज टू विन ऑल द इलेक्शन, यहाँ पे पीआरआई सारे चुनाव जीतती है, हारती क्यों नहीं है, क्योंकि जो पीआरआई है यूज मैनी मल प्रैक्टिस और डर्टी ट्रिक्स, मतलब
जो यहाँ पे जो डर्टी ट्रिक्स है वो अप्लाई करती है पीआरआई। वो डर्टी ट्रिक्स किस तरह की, जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ये कहा जाता है कि जितनी भी पार्टी की जो भी मीटिंग हो आप उसमें क्या करें, हिस्सा लें। मतलब गवर्नमेंट उनको कहती है, प्रेजिडेंट कहता है, जितनी भी पीआरआई जो सॉरी पीआरआई पार्टी है वो क्या करती है, टीचर्स के ऊपर दबाव डालती है, प्रेशराइज करती है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उनको प्रेशराइज करती है कि आप जो भी इस पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उसको आप क्या करें, ज्वाइन करें। टीचर्स के ऊपर मतलब जो टीचर है उनको बच्चों के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को इस पार्टी के लिए जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए इनको कहा जाता है। पोलिंग बूथ और ऐसा डर्टी ट्रिक्स इस प्रकार की, जो लास्ट मोमेंट पे जो पोलिंग बूथ है वो भी शिफ्ट कर दिए जाते हैं। कौन करता है, पीआरआई पार्टी। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा है ना, जो विलेन टाइप होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और लास्ट टाइम पे वो क्या करते हैं, पोलिंग बूथ होता है वहां पर जबरदस्ती वो डलवाते हैं बंदूक के दम पर। तो उसी प्रकार की जो पीआरआई है वो ट्रिक्स अपनाती है, ठीक है। पोलिंग बूथ को लास्ट मोमेंट पे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है और स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और कह रहा है कि बहुत अधिक पैसा भी जो है चुनाव में खर्च करती है पीआरआई पार्टी और इस कारण से कह रहा है ये जो पार्टी है कभी भी चुनाव नहीं हारती है। क्लियर, मल प्रैक्टिस डर्टी ट्रिक्स यूज करके वो पार्टी चुनाव जीती आ रही है। तो आपने यहां पे क्या देखा, दोनों एग्जांपल में दोनों केसेस में आपने देखा इंडिया के और चाइना और मेक्सिको में दोनों जगह चुनाव इलेक्शन होते हैं, लेकिन क्या वो इलेक्शन फ्री है, फेयर है, नहीं। वहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अगर दूसरी पार्टी यहाँ पे है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको इस पार्टी की अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स अप्लाई करके ये जो पीआरआई पार्टी है वो अपना प्रेसिडेंट क्या करती है, इलेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का क्या, यहाँ पे आप इस इन दोनों केसेस में आप कह सकते हैं कि दीज आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, नहीं। क्यों, डेमोक्रेटी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो डेमोक्रेसी है वो किस पे आधारित होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे, और जहां पर दोज हु करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। तो यहाँ पे जो करंटली पावर में है, पीआरआई का एग्जांपल लेकर के यहाँ पे जो पावर में है, यहाँ पे जो पावर में है, क्या उनके चांसेस हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। क्यों, आप देख सकते हैं। क्लियर, आई होप यहां तक आपको जो फ्री और जो सेकेंड फीचर है डेमोक्रेसी का वो आपको क्लियर हो गया क्या होता है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, कि जो पावर में है, सत्ता में है, फॉर एग्जांपल मैं ही पावर में हूं, मेरा चांस ही नहीं है हारने का। क्यों, यहाँ पे मैं डर्टी ट्रिक्स अप्लाई करके जीत रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को अनुमति लेनी पड़ रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, यहाँ पे एक ही पार्टी जीतती आ रही है। क्लियर, तो ये यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, दोनों जगह इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन दो जो पावर में है उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है हारने के। देन इन अ रियल सेंस वी कैन नॉट से दैट चाइना इन चाइना एंड मेक्सिको आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा जो सेकंड फीचर है आपका डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जो फीचर है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।